हेलो गाइस, हैव यू ऑल। आई होप एवरीवन इज इंजॉइंग देयर लाइफ। और गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इन इंट्राडे सीरीज की वीडियोस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम डेली दो स्टॉक शेयर करते हैं और कल की वीडियो हमने यहाँ पे मिस कर दी थी ड्यू टू सम रीजंस गाइस। तो कोई बात नहीं, कभी कभी मिस भी करनी पड़ सकती है हमें वीडियो। तो अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है यूट्यूब पे, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो है अपडेट्स भेज देते हैं कि आज वीडियो आएगी या नहीं आएगी। अभी तक हमने वहाँ पे कोई अपडेट नहीं भेजा, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन दिस वीडियो, और जैसे ही ये वीडियो कम्प्लीट होगी आप तक आ जाएगी और आप देख रहे होंगे अभी लाइव। चलिए गाइस, तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूडी ट्रेंड का, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा गाइस आपको सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करो। और उसके पास में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे जरूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करूंगा। फटाफट हम यहाँ पे दो स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि कल के लिए हो सकते हैं कुछ खास, और उन स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखकर सही टाइम पे एंट्री एग्जिट करके थोड़ा प्रॉफिट जो है वो आप बुक जरूर कर पाएंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक लिया है, वो है टेक महिंद्रा। और गाइस, टेक महिंद्रा का ट्रेंड आज की हम बात करें तो बहुत ही खास रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 तारीख को कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड दिखाया है, मतलब 50-50 का रेशो आप गैप देख सकते हैं। आधा दिन जो है वो अप ट्रेंड दिया, आधा दिन जो है वो डाउन ट्रेंड दिया, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के स्टॉक उसी प्राइस पे आ गया जिस पे ओपन हुआ था। गाइस, यहाँ पे इस टाइप के ट्रेंड में जो है हम इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है वो दिखने को मिल रही है, लेकिन क्लोजिंग टाइम में बेयर जो है वो अपना प्राइस पॉइंट वापस ले आए जहां पे स्टॉक ओपन हुआ था। तो इस टाइप के स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं ऑलवेज फॉर नेक्स्ट डे इंट्राडे। बस आपको जो है वो कड़ी नजर इस पे रखनी है। लाइव मार्केट में जरूर आपको एक सही मौका मिलेगा इसमें एंट्री और एग्जिट करने का। और बात करें हम इसके इंट्राडे सेटअप की, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हमें इसमें काम करना है या किस गैप में हमें इसमें काम करना है। गाइस, एमएसडी की बात करें, आरएसआई की बात करें, अगर आप यहां पे देखोगे ये 10 मिनट का चार्ट आपको व्यू दिखा रहा हूं, तो आपको एमएसडी डिक्लाइन दिख रहा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिकेटर्स व्यू की, तो इंडिकेटर्स व्यू भी जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है टेक महिंद्रा का, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंट्राडे। अभी इस वीडियो में मैं आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म या फिर डिलीवरी के लिए नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ चर्चा हो रही है इंट्राडे कॉन्सेप्ट पे, तो इसका जरूर ध्यान रखें। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 14th ऑफ अक्टूबर की अगर हम बात करें और 15th ऑफ अक्टूबर अगर आप देखें, यहाँ पे दोनों दिन बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा था। नियरली आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से ये 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है टेक महिंद्रा में। और टेक महिंद्रा गाइस बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इंट्राडे में नियरली 6-7 रुपीज का प्रॉफिट बुक करने के लिए आप इस स्टॉक में काम कर सकते हैं, और ये आपकी वॉच लिस्ट में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। हमने बहुत बार टेक महिंद्रा पे चर्चा भी की है, जैसा कि आप अगर हमारी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आपने जरूर नोटिस किया होगा। चलिए देख लेते हैं इसके इंट्राडे सेटअप को और समझेंगे कि कौन से गैप में हमें इसमें काम करना है और क्या रिस्क पकड़ के हमें इसमें एंटर और एग्जिट होना है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक महिंद्रा आपके सामने रख दिया है, और 827 जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गाइस, यहाँ पे टारगेट की अगर हम बात करें तो नियरली 7 पॉइंट का हमने टारगेट लिया है, और स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं नियरली 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है। तो इस टारगेट और स्टॉप लॉस के माइंडसेट के साथ आप जो है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही, गैप अप हो जाता है नियर टारगेट तो आपको रुकना है। और वैसे भी गाइस, अभी जो ये वॉलेटाइल मार्केट है उसमें आपको 10 बजे के बाद ही आपको काम करना है, तो थोड़ा धीरज रखिएगा लाइव मार्केट में। लाइव वॉलेटिलिटी और स्पीड को देख के फटाफट कूदने की कोशिश मत करना। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट नहीं हो तो आप 10 बजे तक जरूर रुकना, उसके बाद आपको ट्रेंड का अंदाजा जो है वो जरूर मिल जाएगा। टेक महिंद्रा गाइस आईटी सेक्टर में अच्छा कर रहा है और करता आ रहा है। हाँ, मान सकते हैं 15 तारीख से थोड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो आज का जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है उसके बेस पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बात बताऊंगा गाइस कि कोई स्कैम की बात आ रही है आईटी सेक्टर के ऑप्शन सेगमेंट में, यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ 700-800 करोड़ का यहाँ पे स्कैम का बात आ रहा है, तो वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है आईटी सेक्टर को थोड़ा सा। तो इसका ध्यान रखते हुए इंट्राडे में काम करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएंगे। गाइस, यहाँ पे टेक महिंद्रा होता है कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर कि कौन सा हो सकता है दूसरे नंबर का खास स्टॉक जिसमें हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाए। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सेकंड नंबर का हमने स्टॉक लिया है, वो है टाइटन। और गाइस, टाइटन की खास बात यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा आपको कि इसको लेने का रीजन क्या रहा आखिर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम अगर बात करें हम 13 तारीख की, यानी कि 13 अक्टूबर से स्टॉक ने जो है वो डाउन ट्रेंड दिया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड दिखे, फिर डाउन ट्रेंड गया, फिर आप देख सकते हैं अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, यानी कि स्टॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। लेकिन गाइस, अगर बात करें हम 19th की यानी कि आज की,
तो बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक ने पॉजिटिव व्यू दिया है। मतलब यहाँ पे चर्चा सिर्फ एक चीज की हो रही है कि बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड को फेस करने के बाद भी स्टॉक जो है वो मेहनत कर रहा है ऊपर की ओर बढ़ने का, तो इस टाइप के ट्रेंड को भी आप कंसिडर कर सकते हो नेस्डे के इंट्राडे के लिए। और गाइस यहाँ पे जो स्टॉक सेलेक्ट करके आपके सामने लगाए जाते हैं वो कोई ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पे सभी चार्ट को रीड किया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे लेट नाइट का टाइम लगता है और यहाँ पे बहुत ही लेट वीडियो अपलोड होती है, क्योंकि हम सभी चार्ट के पैटर्न को देखते हैं उसके बाद आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इस टाइप का जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है इस टाइटन में, वो आपको ये बताता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिन में, यानी कि नेक्स्ट डे में। तो वहां पे आपको थोड़ा वेट करके काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है कि हाँ यहाँ पे टाइटन बताया गया है तो बस सुबह खुलते ही टाइटन में एंट्री ले लें। यू हैव टू वेट मिनिमम 30 मिनट्स और 45 मिनट्स और ट्रेंड को समझना है कि टाइटन कैसे परफॉर्म कर रहा है आज के दिन में। ये ट्रेंड और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सिर्फ आपको अंदाजा देते हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं होते हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा। यहाँ पे अंदाजे के साथ साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना जरूरी होगा आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेड से गुजर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे फिर बताऊंगा कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स व्यू है वो सभी पॉजिटिव होंगे, उसके बाद ही आपके सामने अपडेट किया जाएगा। तो टाइटन में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये चीज बतानी थी कि बहुत ही ज्यादा बेयर प्रेशर होने के बाद भी बुलिश कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है, तो इस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं। और लोअर पॉइंट पे, लोअर पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये सपोर्ट लेवल है, वहां पे 2 से 3 बार, यहाँ पे एक बार आया और ये सेकंड टाइम, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम जब आएगा गाइज या तो इसको तोड़ सकता है या फिर वहां से वापस ये रिपीट होगा जैसा कि यहाँ पे 3 बार हुआ है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर फोर्थ टाइम जब भी इस लेवल पे आए हम वहां पे एंट्री पॉइंट बनाए और एक्सपेक्टेशन रखे हम इस रेसिस्टेंट लेवल की, क्योंकि बार बार इस बीच में जो है वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो हमारा टारगेट सिंपल है गाइज, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट या आप चाहें तो 8 से 9 पॉइंट, इतना टारगेट रख के आप इसमें काम कर पाएंगे टाइटन में, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप लोअर पॉइंट पे एंट्री करने की कोशिश करें, अगर मौका नहीं मिलता है तो इसको स्किप कर देना, इसमें बिल्कुल काम मत करना। फिर बताना चाहूंगा कि डे ट्रेडिंग जो है वो रिस्की होती है गाइस, यहाँ पे सिर्फ ये हमारा व्यू है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इन स्टॉक पे तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ये आपकी खुद की रिस्क है। ये डिस्क्लेमर मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा वीडियो में, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूँ, लेकिन अब से जो है वो हम वीडियो में ये भी बोलना चालू कर रहे हैं, हर वीडियो के एंड में हम यहाँ पे ये डिस्क्लेमर बोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये मार्केट जो है वो रिस्क से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं इट्स कम्प्लीटली योर ओन रिस्क, ठीक है। यूनिट ट्रेंड यहाँ पे सिर्फ अपना व्यू देता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। तो चलिए गाइस देख लेते हैं टाइटन के इंट्राडे सेटअप को और समझेंगे थोड़ा और। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 1228 जो कि करंट मार्केट प्राइस है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने जो टारगेट रखा है आप देख सकते हैं गाइस, नेक्स्ट रेसिस्टेंट लेवल जो है अपना 12 पॉइंट का टारगेट हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। स्टॉप लॉस की गाइस हम बात करें तो यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा है, यहाँ पे इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है सिर्फ, और गैप अप नियर टारगेट में हमें थोड़ा रुकना है या फिर इसे अवॉइड ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो लोअर पॉइंट पे इस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना कि हायर लेवल पॉइंट पे, ठीक है। गाइस इस नोट को रीड जरूर कर दे एक बार, और क्वांटिटी शुड बी 50 to 100 ओनली, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी 10 दिन अक्टूबर एंड तक 50 से 100 क्वांटिटी में ही काम करे। अगर आपको 6 रुपए भी मिलता है 100 रुपए का लेके तो 600 रुपीज प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं, और अगर 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 600 से 700 रुपए का जो लॉस है वो भी सह पाएंगे, ठीक है। तो 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी वाला गेम प्लीज अभी मत करिएगा, आराम से काम करिएगा, थोड़ा मोटा प्रॉफिट लेके जाइए, लेकिन ट्राई टू बुक प्रॉफिट, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोनों स्टॉक होते हैं कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ कि आप कल एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएं। आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे आके लाइव मार्केट में क्वेश्चन जो है वो पूछ पाएंगे। चलिए गाइस मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।